अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो में हम लोग एक लोकल मार्केट देखेंगे उत्तर प्रदेश की। ये मार्केट का नाम है महावन की मंडी, और महावन की मंडी ये आती है मथुरा ज़िले में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मथुरा में भी एक लोकल गोट मार्केट है, जो मैंने अपने लास्ट टाइम के वीलॉग जब मैं मथुरा और दिल्ली गया था, मैंने मथुरा की मंडी के बारे में आप लोगों को बताया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 1.5-2 महीने पहले मथुरा की मंडी ख़त्म हो गई है, वो नो लॉन्गर अब वर्क कर रही है। तो जो मथुरा के जो व्यापारी थे वो सब अभी महावन जाते हैं, क्योंकि सैटरडे को ही मथुरा की मंडी लगती थी, अब सैटरडे के दिन ही महावन की मंडी भी लग रही है। क्योंकि अभी ये शिफ्ट जो ट्रांसेक्शन था ये अभी न्यू है, तो इतने बकरे नहीं आ रहे हैं महावन की मंडी में। लाइक जिस टाइम पर मैं भी वहाँ था, लाइक मुश्किल से लाइक 700 से 800 ही बकरे वहाँ होंगे, पर अभी जैसे बकरे ईद करीब आती जा रही है वहाँ पर बकरे आ रहे हैं। पर नॉर्मली जब मैं वहाँ था जो बकरे मैंने देखे वो नॉर्मली बकरियाँ थी या तो अदन बच्चे थे, लाइक थोड़े बड़े बकरे थे। नॉर्मली जो ब्रीड्स वहाँ पर बिकने के लिए आती हैं वो है नागफनी, करोली, कोटा, कभी कभी बरबरी, और पर ज़्यादातर देसी बच्चे। तो फ्रेंड्स, ये जो मंडी है ये मथुरा रेलवे स्टेशन से अराउंड 30 किलोमीटर्स दूर है, और जाने के लिए आपको इजीली ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो जाएगा। और महावन की मंडी सैटरडे के दिन लगती है। अगर कोई मेरे दिल्ली का या अलीगढ़ वगैरह का मेरा कोई फ्रेंड देख रहा है तो उनके लिए खास करके ये मंडी है। जो मथुरा की मंडी थी फ्रेंड्स वो बंद हो गई है, तो उसके लिए सारा ट्रांसेक्शन अब महावन की मंडी पर गया है। फ्रेंड्स, अभी आने वाले वीडियोज़ में मैं एक गोट फार्म के बारे में भी डालूंगा मथुरा के, जो काफ़ी बड़े लेवल पे है और बहुत ही बड़े एरिया में है। वो गोट फार्म का नाम है मथुरा गोट फार्म। अगर कोई मेरा भाई मथुरा की मंडी में पहले गया होगा तो बिल्कुल मथुरा की जो मंडी थी गोट मार्केट, उसके बिल्कुल सामने ये गोट फार्म है, मथुरा गोट फार्म। तो उसके वीडियोस मैं इंशाल्लाह कल से डालना स्टार्ट करूँगा, तो होपफुली आप लोगों को पसंद आएंगे। और बात रही महावन की मंडी की, तो पहुँचना यहाँ बहुत आसान है। ये मार्केट मॉर्निंग में 5:30 को ओपन हो जाता है, और ये लगभग लाइक 10:30-11 बजे तक ये मार्केट रहता है। क्योंकि मार्केट मतलब लाइक इट्स लाइक अ फेयर, वो मेला जैसा होता है, तो बकरों के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बिकने के लिए आती हैं, जैसे कि बहुत सारे ऑर्नामेंट्स जो बकरों के लिए यूज़ होते हैं, जैसे पैर का घुंघरू हो गया, देन गले के चेन, लॉकेट्स एंड ऑल बकरों के लिए, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा लॉट ऑफ खाने की चीज़ें भी मिलती हैं मार्केट्स में। मैंने ये बात नोटिस की, जो भी मैं यूपी की मार्केट्स में गया तो वहाँ पर बकरों के अलावा बहुत सी और भी चीज़ें बिकने के लिए आती हैं। एंड जैसे आप लोग देखेंगे ज़्यादातर करोली, देसी बच्चे हैं, देन बरबरे आपको कुछ मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं वाइट कलर का, यू नो इसके कान खड़े बरबरे विदाउट सींग। ये बरबरे भी क्योंकि बहुत कम आते हैं ये, लाइक आप नॉर्मली बरबरों की बड़ी सींग होती है बरबरी बकरों के, लेकिन आप ऐसे बहुत कम देखेंगे बिना सींग वाले, जो काफ़ी क्यूट दिखते हैं, और इनकी जो पॉपुलैरिटी कुछ ज़्यादा है, तो इसका प्राइस नॉर्मली ज़्यादा होता है। नॉर्मली ये जो बकरा आप देख रहे हैं दो दांत है, ये मार्केट में मुझे इसके 15,000 रुपये बोले थे। एंड देन ये बच्चा आप जो देख रहे हो थोड़ा क्रॉस में है, थोड़ा कलर वगैरह काफ़ी अच्छा था। ये बच्चा एक्चुअली बिका था अराउंड 6,500 रुपये में मार्केट में। तो ऐसे रेट्स काफ़ी नॉर्मल है, बोलने को तो थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं, बट हमको निगोशिएट करना पड़ता है, बात करना पड़ता है। तो उसके अलावा लाइक कभी कभी यहाँ पर अच्छे तोता परी भी आ जाते हैं, नॉर्मली महुआ में ज़्यादा आते हैं, पर क्योंकि ये लाइक वही एक रेंज है मथुरा, भरतपुर, देन हाथरस वगैरह, तो काफ़ी कभी कभी बीटल बकरे भी आ जाते हैं। तो लाइक क्रॉस ब्रीड के अलावा कभी कभी नस्ल वाले बकरे भी ऐसी मार्केट्स में हमको देखने मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि मथुरा के करीब में गोवर्धन मंडी भी है, तो गोवर्धन मंडी एक्चुअली लगती है ट्यूसडे के दिन, और ये जो मार्केट जो लगा है महावन का ये सैटरडे को लगता है, और मथुरा का भी सैटरडे को लगता था। तो बकरा ईद के अगर किसी को बकरे ख़रीदने हैं फ्रॉम द एरिया ऑफ मथुरा, गोवर्धन और दिल्ली वगैरह से, या तो मेरा कोई दिल्ली का भाई जो बिज़नेस करना चाहता है दिल्ली में, तो ये मार्केट में, क्योंकि जैसे मैंने बताया बकरे बढ़ते जाएंगे, एंड देन आपके पास गोवर्धन का मंडी भी है
देन यू कैन ऑल्सो विजिट मथुरा गोट फार्म। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो एंड तक देखें और प्लीज़ इंजॉय करें। आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।